तो इस जगह पर एक आम का पेड़ है जहाँ से पानी निकल रहा है। यहाँ से निकलने वाला पानी ढलान से नीचे की ओर बहने के बजाय ऊपर की ओर बह रहा है, जिसे देख कर के लोग आश्चर्य से भर जाते हैं। दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्य का सरगुजा जिला के अंतर्गत आने वाला एक बहुत ही खूबसूरत गांव मैनपाट है, जिसे प्रकृति ने बहुत ही खूबसूरती के साथ नवाजा है। हरे भरे मैदान, खूबसूरत झरने और आश्चर्य से भर देने वाले प्राकृतिक स्थल है। मैनपाट सरगुजा जिले में विंध्य पर्वतमाला पर है। इसके समुद्र तल से ऊंचाई लगभग 3,500 फीट है। यहाँ पर कई सारे पर्यटक स्थल है जो सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। साथ ही यहाँ का तापमान कम और सर्दियों में बर्फबारी होने की वजह से इसे छत्तीसगढ़ का शिमला भी कहा जाता है और इसे छोटा तिब्बत भी कहते हैं, क्योंकि भारत और चीन के बीच युद्ध होने के बाद 1962 में तिब्बतियों को शरणार्थियों के रूप में यहाँ बसाया गया था। इस कारण इसे मैनपाट को छोटा तिब्बत भी कहते हैं। अगर हम छत्तीसगढ़ के पर्यटक स्थल के बारे में बात करें तो सबसे पहला नाम मैनपाट का लिया जाता है। मैनपाट में खूबसूरत वादियों के साथ आश्चर्य से भर देने वाली प्राकृतिक स्थलें हैं। दोस्तों, उन्हीं में से एक है उल्टा पानी। यह एक ऐसा स्थान है जहां पानी का बहाव नीचे से ऊपर की ओर है। इसे देखने के लिए दूर दूर से लोग हजारों की संख्या में आते हैं और सभी उल्टा पानी देख कर अपने विचार रखते हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं विस्तार से मैनपाट के उल्टा पानी के बारे में। दोस्तों, उल्टा पानी छत्तीसगढ़ राज्य के सरगुजा जिले के मैनपाट क्षेत्र बीसर पानी गांव में स्थित है। यह स्थान पिछले कुछ वर्षों से लोगों के बीच में काफी ज्यादा चर्चित है। दोस्तों, इस जगह पर एक आम का पेड़ है जहां से पानी निकल रहा है। यहां से निकलने वाला पानी ढलान से नीचे की ओर बहने के बजाय ऊपर की ओर बह रहा है, जिसे देख कर के लोग आश्चर्य से भर जाते हैं। इसके अलावा कई लोग दावा करते हैं कि यदि गाड़ी को न्यूट्रल में डाल करके छोड़ देते हैं तो वह गाड़ी अपने आप ही ऊपर की ओर चढ़ने लगती है। यह मैनपाट का उल्टा पानी सबसे आश्चर्य से भर देने वाला स्थल है। इस स्थान को कई वर्षों तक स्थानीय लोग भूतिया जगह मानते थे, लेकिन पर्यटकों की संख्या दिनों दिन बढ़ने के कारण लोगों के विचार बदल गए। लेकिन पानी का बहाव ऊंचाई की ओर क्यों है, इसका कारण अभी तक पता नहीं चल सका है। दोस्तों, इस स्थान पर कई रिसर्च आए, लेकिन सभी लोगों के अलग अलग मत है। लोग मानते हैं कि यह केवल दृष्टि भ्रम है, लेकिन कुछ लोगों का कहना है यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण का बल अधिक है, इसी के कारण पानी ऊंचाई की ओर बह रहा है। तो मैनपाट घूमने आप किसी भी मौसम में जा सकते हैं, लेकिन मानसून तथा ठंड के मौसम में यहाँ की खूबसूरती और बढ़ जाती है। आपको जब भी समय मिले मैनपाट के वादियों का लुफ्त उठाने आप अवश्य जाएं। आप अपनी निजी वाहन से भी वहां जा सकते हैं। दोस्तों, यह स्थान अंबिकापुर से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दोस्तों, यदि आप मैनपाट जाते हैं तो यहां पर कई पर्यटक स्थलों को आप घूम सकते हैं, जिसमें दोस्तों टिनटिनी पत्थर, टाइगर पॉइंट झरना है, दलदली जगह है, उल्टा पानी है और बौद्ध मंदिरें आदि पर्यटक स्थल यहां पर हैं, जिससे आप मनोरंजन, इंजॉय और खूबसूरत वादियों का आनंद आप ले सकते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही अच्छी जानकारी मिली होगी। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो आप सभी को मिलती रहे। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। नमस्कार, जय जोहार, जय हिंद।